रहमान रहीम, मेरा नाम तारिक इकबाल खान है, मैं चेयरमैन हूँ। मैं सिविल सोसाइटी का फाल नुमाइंदा हूँ। मैं अपने मौकफ को चंद सतूर में बयान करना चाहता हूँ। मैं आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के मुतल्लिक एक माशरे के मजलूम रूहानी बाप यानी के एक इंतहाई काबिल एहतराम मौलम पर होने वाले इंसानियत सूज वाक़या जो के बदकिस्मती से वज़ीर आज़म के आबाई जिला और उनके अपने दस्ते शफकत से इफ्तिताह किए जाने वाले मॉडल पुलिस स्टेशन सिटी व सदर जो कि एक ही इमारत में मौजूद हैं में पेश आया है। मैं जिस मजलूम वालम के साथ बैठा हूं, इनका नाम तारिक इकबाल खान है और ये पिछले 10 साल से एक मुल्लम के फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं। पिछले दिनों एक जाती मसला के सिलसिला में मुल्लम को साहिब बनकर थाना जाना हुआ। नामालूम वजूहात की बुनियाद पर उल्टा मकामी पुलिस स्टेशन सदर व सिटी के अमला ने अमने आमा की दफा के तहत उल्टा मुल्लम को ही 751 की दफा लगाकर हवालात में बंद कर दिया गया, जिस पर मुल्लम ने इस्तफसार किया, जिस पर पुलिस ने इस बात को जाती अनार का मसला बना लिया। और मसला अगर के थाना सदर का था, लेकिन SHO थाना सदर मलक मोहम्मद अशरफ हमरा SHO थाना सिटी शहर निसार बमाए पुलिस मुलाजमीन ने मुल्लम को हवाला से बाहर निकाल लिया और मुर्गा बनने का हुक्म सादिर किया, जिस पर मुल्लम ने अपने मुकद्दस पेशा का हवाला दिया और अपना कसूर पूछा, जिस पर पुलिस ने जाती अनार का मसला बनाते हुए मुल्लम पर बेमाना तशद्दुद शुरू कर दिया, डंडों लातों घूंसों और थपड़ों की बरसात कर दी, सर पर जूते मारे गए, बिल आखिर अकबी सेन में ले जाकर लित्तर भी मारे गए और उन्हें जबरदस्ती मुर्गा बनाकर तदहीक का निशाना बनाया गया और आखिर में तमाम मुलविस मुलाजमीन ने फर्दन फर्दन टांगे मारी। इस मामला की CCTV वीडियो भी मौजूद है। इस मामला की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, हालांकि मुल्लम ने बार बार अफसरान बाला के आगे अपने ऊपर होने वाले बेमाना तशद्दुद के बारे में आगाह किया। क्योंकि मैं सिविल सोसाइटी का एक फाल कारकुन हूं और हमें अपने मजलूम टीचर के मामला में किसी से भी इंसाफ मिलने की तवक्को ना है। मैं DPO साहब से मुतालबा करते हैं, IG पंजाब से मुतालबा करते हैं, RPO सरगोधा से मुतालबा करते हैं कि बर वक्त इंसाफ किया जावे। इंसाफ ना मिलने की सूरत में 24 घंटे के बाद हम सिविल सोसाइटी को लेकर झाड़ टोक पर इंसाफ के हसूल के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। अब आप इस मजलूम मुल्लम का मौकफ भी सुन लें। भाई तारिक, बहुत शुक्रिया, आपकी आमद मेरे लिए खुशाइंद है। मेरा मामला सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं इस मुआशरे का उस तबके से मेरा ताल्लुक है जो कि इंतहाई मजलूम है और साथ ये कि हम हमारे कौम हैं। मेरे साथ होने वाली ज्यादती में मुलविस अफराद जो कि CCTV फुटेज में भी देखे जा सकते हैं, उनके खिलाफ फिल वक्त और फिल फौर उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा मेरी मुदय्यत में दर्ज किया जाए, क्योंकि दौरान हिरासत कोई भी कानून इनको तशद्दुद करने, किसी शरीफ-ए-नफ्स इंसान की इज्जत-ए-नफ्स पामाल करने, कानून को इख्तियार में लेने और खुद साख्ता मेडिको लीगल बनवाने की इजाजत नहीं देती। इन्होंने अदालत के हाथे के अंदर भी मुझे स्टेट दर्जावल के पास हाजिरी लगवा के मुझे साइड पे कर दिया ताकि ये वहां पे भी अपनी आवाज बुलंद ना कर सके। आर्मी चीफ से मैं दरखास्त करता हूँ, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त करता हूँ कि सोमोटे एक्शन लें और मुझे मेरा इंसाफ दिलवाए, क्योंकि मुआशरे के अगर मुल्लमीन के साथ इस तरह का बहिमाना तशद्दुद रवा रखा जाएगा और सलूक किया जाएगा तो फिर आप खुद सोचें कि आपकी कौम किस रास्ते पर जा रही है। बहुत शुक्रिया।